हेलो गाइस, वेलकम टू गोवा। इधर एक सुंदर सा बेड दिया है, बहुत ही बड़ा बेड है, लगभग क्वीन साइज का। और इधर बिस्लरी का वाटर दिया है, एक सुंदर सा टेबल है, एक चेयर है। और इधर कलर, रूम का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा समहाउ, इट्स अ ब्लू कलर, ब्राइट ब्लू विच आई रियली लाइक्ड। एसी रूम है और आप देख सकते हैं इधर इधर वॉश बेसिन दिया गया है और फ्रिज है, तो विच इज़ वेरी लाइट। If you purchase some beers or anything, you can keep it over here, or cold water भी आप ठंडा रख सकते हैं। अभी देखते हैं वॉशरूम कैसा है। वॉशरूम भी बहुत ही छोटा सा है, मगर बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा सा है। और इधर सभी कुछ दिया हुआ है, बेसिन है, शावर है, हॉट वाटर है और बाकी सब कुछ बढ़िया। आपको इस जगह का लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर चेक करना। ये जगह कलंगुट में है और कलंगुट बीच से बहुत ही पास है, लगभग 1 किलोमीटर रेडियस में है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं इस गोवा के मज़ेदार सफ़र में। तो दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे नॉर्थ गोवा के सफ़र में और हमारे साथ बने रहिए। हम लोग अभी गाड़ी लिए हैं, तो गाड़ी से अभी नॉर्थ गोवा ट्रैवल करेंगे और कल हम लोग एक गाड़ी अपने पे किराए पे लेंगे जो हम खुद ड्राइव करेंगे। आज थोड़ा थकान था, इसीलिए सोचा कि चलो एक विद ड्राइवर हायर कर लेते हैं और चलते हैं नॉर्थ गोवा के सफ़र में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए ये खूबसूरत नॉर्थ गोवा। तो दोस्तों, गोवा आए और डॉल्फिन ट्रिप ना किए ये कैसे हो सकता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हमारा डे 1 एट गोवा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉल्फिन ट्रिप है, आबूदा जेल है और मिलियनियर पैलेस है, आबूदा फोर्ट है। तो आज हम लोग ये सब कवर करेंगे। सो चलिए हमारे साथ फर्स्ट डे गोवा ट्रिप। तो अभी चलते हैं डॉल्फिन ट्रिप सफ़र में और देखते हैं इधर डॉल्फिन ट्रिप कैसा होता है और डॉल्फिन देखने को मिलता भी है कि नहीं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो डॉल्फिन ट्रिप पर पर्सन 350 रुपीज़ लेगा। इधर का बोट एसोसिएशन का ही टिकट है और ये 700 रुपीज़ लगेगा और 45 मिनट्स का ट्रिप रहता है। तो चलिए चलते हैं। पहले से डायमंड हाउस, उसके ओनर का नाम है जिमी मर्चर।
ये 50 साल पुराना है, इसमें हसीना मान जाएगी मूवी शुरू हुई थी, हसीना मान जाएगी। पूरा अंडरग्राउंड है, इसको अभी म्यूजियम बनाया। ऊपर व्हाइट वाला दिख रहा है ना, वहाँ आगे था फोटो लाइट हाउस। तो हाय दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं अगुआड़ा फोर्ट। ये बहुत ही फेमस फोर्ट है नॉर्थ गोवा में, और अगर आप नॉर्थ गोवा आते हो तो अगुआड़ा फोर्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। और इनका टिकट आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्कैन से मिल जाएगा, 25 रुपीज़ टिकट कॉस्ट है। तो आप अगुआड़ा फोर्ट ज़रूर आइए, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा दिसंबर में भी थोड़ा सा गर्मी लग रहा है हम लोगों को, मतलब हाँ, तो थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा वेदर नहीं है, बट यही सबसे बेस्ट टाइम है आने के लिए। तो हम लोग देखते हैं आगे जाके कैसा लगता है फोर्ट, चलिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगुआड़ा फोर्ट। तो दोस्तों, अभी हम लोग अगुआड़ा फोर्ट के अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है अगुआड़ा फोर्ट और ये है वॉच टावर, लाइट हाउस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये है लाइट हाउस। उधर से भी एंट्री है, देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर, और उधर से आपको सी व्यू मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इधर से कैसे व्यू आता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर इसका सी व्यू देखने के लिए फोर्ट का। फोर्ट उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मगर बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत ही सुंदर है। और ये पीछे जो आप देख रहे हो, ये लाइट हाउस है। तो अभी तक भी ये लाइट हाउस चल रहा है, और देखिए उधर भी एक लाइट हाउस है जो अभी फंक्शनिंग है, आप देख सकते हैं वो घूम रहा है, तो बहुत ही सुंदर। तो चलिए चलते हैं, सी व्यू देखते हैं।
दोस्तों, तो अभी हम लोग थोड़ा एक टोपी खरीद लिए हैं, इतना धूप है इसीलिए, तो सर पे बहुत धूप लग रहा था। दिसंबर का महीना है मगर आपको देखने में ऐसा लगेगा कि आप अप्रैल मई में हो। चलिए देखते हैं सैंडलिम बीच, इधर बहुत सारा दुकान है, आप इस दुकान से बहुत कुछ सामान खरीद सकते हो, टैटू करवा सकते हो। और ये रहा गोवा का बीच का रेत, पहली बार हम लोग अभी गोवा में आके ये रेत में पैर रखे, अभी तक तो दूसरी जगह घूम रहे थे मगर थोड़ा एक्साइटेड लग रहा है अभी बीच देख के, तो चलिए चलते हैं अंदर। हाय दोस्तों, तो अभी हम लोग आ गए हैं कैंडलिम बीच पे, अभी बहुत करीबन दोपहर का समय हुआ है, 12:30 एक बज गया। अभी बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और क्राउड बहुत ही भरपूर है, ये बहुत फेमस बीच है तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। दोस्तों चलिए अभी समंदर का थोड़ा मज़ा लेते हैं, मैं तो बेताब हो रहा था। यस, पानी बहुत ही ठंडा है, अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत क्राउड है अभी, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है आप देख सकते हैं, और ये बीच बहुत ही खूबसूरत बीच है। और इधर रात को बहुत ही ज़्यादा शैक्स हैं, तो रात को जितने सारे आप शैक्स देख रहे हैं ये सब लाइटिंग हो जाता है, सामने की बैठने का जगह है तो आप बैठ के चिल कर सकते हैं, अच्छे से खाना पीना सब कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बीच का वाइब ही बहुत सुंदर है, ये बहुत ही फेमस बीच है कैंडलिम बीच, और इसका दो भाग है। अभी हम लोग जो मेन बीच है कैंडलिम उसके अंदर है, तो इसका नॉर्थ कैंडलिम भी है, वो भी आपको देखने से अच्छा लगेगा, तो आप अगर चाहो तो नॉर्थ कैंडलिम भी जा सकते हो। हम लोग जो आपको अगोड़ा फोर्ट दिखाए थे, अगुआड़ा फोर्ट, उसका जो आसपास का जो बीच है उसको सिंगरिम बीच कहते हैं, तो अगर हमको समय मिले तो हम लोग सिंगरिम बीच भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैंडलिम बीच, बहुत ही सुंदर। इधर से आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह सब कुछ कर सकते हो मगर प्राइस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बागा बीच, जो गोवा का सबसे फेमस बीच है, तो ये बीच बहुत ही फेमस है, इधर बहुत सारे शैक्स हैं और रात को आपको बहुत ही मज़ा आता है इधर आने में। तो हम लोग अभी दोपहर को आएंगे और रात को भी एक्सप्लोर करेंगे बागा बीच और कलंगुटे, तो चलिए अभी चलते हैं बागा बीच के सफ़र में।
बहुत लोग देखे होंगे आई लव गोवा का टी शर्ट, तो वो इधर मिल जाता है बागा बीच के दुकान में। तो ज़्यादा भाव नहीं है, 100-150 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो आप आके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी अंदर चलते हैं, आप देख ही सकते हैं कितना अभी विशाल सैक्स का सारे चेयर्स सारे चीज़ इधर लगे हुए हैं। और बागा बीच में मुझे एक अच्छा बात लगा कि बीच जाने के लिए पूरा ये एकदम कारपेट जैसा बिछाया हुआ है, ताकि आपको चलने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये रहा बागा बीच, द फेमस बागा बीच। तो दोस्तों बागा बीच में इतने सारे लोग आते हैं कि तुम देखो इधर पूरा जो बालू है उतना उतार चढ़ाव नहीं है, पूरा बैठ गया है बाली, और इधर से पैदल जाने में भी आपको थोड़ा कोई मुश्किल नहीं होगा, आप आराम से इधर पैदल जा सकते हो। ये थोड़ा क्राउडेड भी है, हाँ थोड़ा सा हॉट एंड हैपनिंग है ये वाला भी। और वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिधर लिखा है बागा बीच, तो आपको पूरा अच्छे से इधर बहुत सारे लोग तस्वीर खींचते हैं, तो आप अच्छे से तस्वीर ले सकते हैं। ये बीच बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग है, बहुत सारे शैक्स हैं इधर, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इतने सारे शैक्स अवेलेबल हैं, तो आप सनबाथ ले सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं। करीबन जितना दूर आपका आँख जाए उतना ही बड़ा है इसका बीच है, तो बहुत ही सुंदर। और ये थोड़ा अच्छा बीच है नहाने के लिए भी, अगर आप नहाने के लिए ढूँढ रहे हो कि आप कहाँ नहाएँ गोवा में आके, तो बागा बीच एक जगह हो सकता है जहाँ पे आप नहा सकते हैं। और इधर का जो बीच है बहुत ही शांत है, और बीच बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, बहुत सारे लोग इधर आके नहाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहो तो बागा बीच में आके फर्स्ट डे वन में अगर आपको होटल बागा बीच और कलंगुट बीच के आसपास मिले, तो आप इधर आके सनसेट देख सकते हैं, क्योंकि बागा बीच इज़ फेमस फॉर इट्स सनसेट। तो हम लोग क्या सोचे कि हम लोगों का होटल कलंगुट के आसपास है, तो हम लोग आज सोचे बागाटोर बीच में सनसेट देखेंगे आज के लिए, और शायद कल या परसों हम लोग बागा बीच या फिर कलंगुट बीच में सनसेट देखेंगे। तो ये बीच मुझे इसीलिए अनोखा लगा कि आप अगर देखो तो इधर पूरा जो बालू है वो पूरा प्लेन है, मतलब कि इधर बालू पूरा रोल ओवर किया गया है, तो आपको पैदल जाने में थोड़ा मुश्किल नहीं होगा। दूसरे बीचेस में आपको क्या लगता है कि दूसरे बीचेस में आपको जाने में थोड़ा मुश्किल होता है, चलने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर नीचे है बालू, मगर इसमें पूरा प्लेन बालू है, तो आपको चलने में थोड़ा मुश्किल नहीं होगा। और आप अच्छे से फैमिली के साथ आ सकते हैं, कपल हो तो कपल लोग भी आ सकते हो, और इधर मस्त आके चिल कर सकते हो और बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बागा बीच इज़ फेमस फॉर दैट, तो प्लीज़ डू विज़िट बागा बीच और कलंगुट बीच।
हम लोग जा रहे हैं छपोरा फोर्ट, और ये फोर्ट बहुत ही फेमस है क्योंकि इधर फेमस दिल चाहता है मूवी का शूटिंग हुआ था। तो चलिए अभी देखते हैं छपोरा फोर्ट। तो दोस्तों छपोरा फोर्ट आपको वगटर बीच के पहले मिलेगा, तो वगटर बीच जाने के समय पे आपको छपोरा फोर्ट देख सकते हैं। तो इधर छपोरा फोर्ट देखने के बाद आप वगटर बीच आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ये खूबसूरत सा छपोरा फोर्ट देखने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा थकान महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा हाइट में है, इसका स्लोप भी है पूरा। हाँ, और आपको थोड़ा 10 से 15 मिनट ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अच्छा है, रोड अच्छा है, मगर थोड़ा थकान लगेगा आपको। तो दोस्तों छपोरा फोर्ट का टाइमिंग है 10 से 5 बजे तक, आप देख सकते हैं। तो कोशिश करना 5 बजे से पहले आने के लिए। दोस्तों करीबन हम लोगों को 15 मिनट लगा पूरा नीचे से ऊपर आने के लिए। छपोरा फोर्ट में बहुत सारे स्टेयर्स हैं, आप देखे ही होंगे। आते वक्त जो पूरा गोवा का व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब आप सीढ़ी से ऊपर आओगे छपोरा फोर्ट में, और पूरा आपको गोवा का व्यू देखने को मिलेगी। इसको जैसे हम लोग एक स्विट्ज़रलैंड का वीडियो दिए थे इंटरलेकिन का, वैसे टाइप का मुझे फील हुआ। तो चलिए चलते हैं छपोरा फोर्ट की बाकी का भाग देखने के लिए। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये जो स्पेसिफिक ये जगह, तो इधर दिल चाहता है एक मूवी का शूटिंग हुआ था। उधर पे आपको अगर सीन याद हो तो आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना तीनों थे, और बहुत अच्छा लगा था वो मूवी देख के हम लोगों को। तो पुराना जो नॉस्टैल्जिया था वो फिर से मानो सामने आ गया। देखिए दोस्तों उधर पीछे समंदर, जितना जैसे आज अभी समंदर का कलर ऐसे लग रहा है जैसे दूर में मानो स्काई और समंदर का कलर एक हो गया हो और दोनों एक साथ मिल गया हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। इधर छपोरा फोर्ट थोड़ा आने में ऊपर आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, मगर इसके बाद से पूरा प्लेन लैंड जैसा है और बहुत ही खूबसूरत इनका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। रेड बैकग्राउंड होने के कारण या रेड सॉइल होने के कारण पिक्चर बहुत सुंदर आता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग पिक्चर ले रहे हैं छपोरा फोर्ट में, और दिल चाहता है मूवी के बाद ये जगह और भी फेमस हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा उस तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा से व्यू आ रहा है, तो समंदर को देखते हैं। वाओ, व्हाट अ व्यू गाइस, देखिए दोस्तों खूबसूरत सनसेट। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं वगटर बीच पे। छपोरा फोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में ये बीच पड़ता है वगटर बीच। तो आप लोगों को जो हमने बीच दिखाया था
छपरा फोर्ट से वही बागाचौर बीच है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बीच है, आप लोग देखिए। देखिए दोस्तों कितना सुंदर बीच है ये बागाचौर बीच। थोड़ा बहुत पत्थर है और इधर से सनसेट बहुत सुंदर दिखाई देता है, आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए बहुत ही सुंदर सनसेट दिखाई देता है इधर से। तो दोस्तों अभी हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं, बागाचौर बीच की तरफ। तो जाने के लिए थोड़ा मुश्किल है, आप देख सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे जाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बागाचौर बीच के नीचे की तरफ आ गए। आने के लिए रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्टी है, मगर आपको आने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बीच की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देखिए ये खूबसूरत बीच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बागाचौर बीच, ये थोड़ा पत्थर एरिया वाला बीच है, मगर बहुत सुंदर है। देखिए हमको बागाचौर बीच सबसे अच्छा लगा, जितने सारे बीच देखे हैं उनमें से सबसे पसंद मुझे बागाचौर बीच आया है। मगर इसमें आपको नहाने के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारा पत्थर है एंड इट्स डेंजरस। तो अभी हम लोग थोड़ा उस टीले के ऊपर जाएंगे और देखेंगे ये व्यू। हाँ करेक्ट। सो गाइस ये अजय ने अच्छा पॉइंट बोला कि ये बीच देखो आप, थोड़ा ब्लैक सैंड का बीच है ये, इट्स नॉट अ येलो सैंड। एंड पर बहुत ही सुंदर बीच है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हमको ये सबसे पसंद आया ये बीच, और खूबसूरत सनसेट भी हो रहा है, इसलिए और भी नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अजय अभी आ रहा है। अजय तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ये वाला बीच सबसे अच्छा लगा, थोड़ा सा शांत है और बहुत सुंदर है, मतलब पहाड़ है थोड़ा छोटा छोटा, फिर वहाँ पे जंगल है, उधर देखिए एक छोटा मोटा पहाड़ है तो, और बहुत ट्रीज है। हम लोग गाइस तो, देखो हम लोग ये ऊपर से आए हैं और ये आज आसमान भी बहुत साफ है और बहुत सुंदर सनसेट हो रहा है। बीच है ये आपका गोकर्ण का ओम बीच की तरह थोड़ा सा है। हाँ ऐसे ही पत्थर है वहाँ पे भी। तो अगर आप हम लोगों का गोकर्ण का वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में गोकर्ण का वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप फिर रिलेट कर सकते हो कि बागाचौर बीच क्यों ओम बीच की तरह एक समान जैसा दिखता है। तो दोस्तों देखिए बागाचौर बीच कितना क्लियर वाटर है और पूरा ब्लैक सैंड है, आप देखिए मेरा पैर पूरा दिखाई दे रहा है और पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर, बहुत बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बहुत ही खूबसूरत बीच। मैंने जितना सारा बीच अभी तक देखा है सबसे पसंद शायद तुम। हाँ, मुझे और तो पूरा ब्लैक सैंड में घिरा हुआ है ये बीच। करेक्ट, तो ब्लैक सैंड बीच भी आप इसको कह सकते हैं। हाँ और देखिए बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर है, पूरा पैर पूरा एकदम अंदर से पूरा दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर वाटर है। और आप हम लोग थोड़ा बहुत मछली भी देखे, मगर बहुत सुंदर है ये बीच, बहुत क्लियर है। और पीछे का बैकग्राउंड देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा सा बैकग्राउंड, और अभी सनसेट हो रहा है और भी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गोवा का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो ये ज़रूर बताना कि कौन सा बीच आपको ज़्यादा अच्छा लगा, हम कल भी कुछ और बीचेस घूमेंगे।
तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा सबसे ज्यादा और किस लिए अच्छा लगा वो भी जरूर बताना हमको। तो पर्सनली बागाटोर बीच अब तक का सबसे अच्छा बीच लगा है बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस ऑफ ब्लैक सैंड। मगर और भी बीच देखेंगे, अंजुना बीच देखना बाकी है, कैलंगड़ देखना बाकी है, और भी बहुत सारे बीच देखना बाकी है, मगर अभी तक का मुझे लगा कि ये बीच बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप छपोड़ा फोर्ट आ रहे हो तो ये बीच कभी मिस मत कीजिए और सनसेट तो इस बीच से ज़रूर देखिए। दोस्तों अगर आप लोगों को एक अच्छा सा सी फूड वाला रेस्टोरेंट चाहिए तो थोड़ा सा पीसफुली मतलब खा सकेंगे जहाँ पे, तो तब आप लोग ट्राई कर सकते हैं चेलसा बीच। तो ये चेलसा जो बीच है तो ये थोड़ा सा कम क्राउड है और थोड़ा सा यहाँ पे म्यूज़िक कम है, बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। पूरा आप देख सकते हैं पूरा सी व्यू है और यहाँ पर हम लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों चेलसी बीच कैलंगड़ बीच के एकदम बाजू में है, तो कैलंगड़ बीच और बागा बीच बहुत नाइट लाइफ के लिए फेमस है, मगर हम लोग उतना शोर शराबा थोड़ा अवॉइड करना चाहते थे, इसीलिए हमने चेलसी बीच चुना जो कैलंगड़ बीच के थोड़ा साउथ साइड में आता है। और इसका एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत पीसफुल है, आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं विथ नो एक्स्ट्रा चार्जेस, एंड चार्ज भी रेस्टोरेंट का बहुत ही ठीक ठाक है, ज़्यादा भाव भी नहीं है और मीडियम रेंज पे है, तो आप इधर आके मस्त एंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं और कैंडल लाइट ज़रूर ट्राई करना। तो दोस्तों अभी हम लोग ट्राई करेंगे रेड स्नैपर, सो देखिए कितना सुंदर डेकोरेट करके दिया है, यहाँ पे भी कैंडल दे दिया, सो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अभी खा के देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट, तो फिर मिलते हैं आप। बहुत अच्छा है खाने में, तो कैसा है कर सकते हैं ये वाला अगर आप आएंगे तो हमारा चेलसा बीच में। और चेलसा बीच सैकबोल की दुकान का नाम है और वहाँ का ये वाला नेल स्नैपर ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है।